नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा मिश्रा है। मैं कक्षा 7वीं ब नव द कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने गणतंत्र दिवस पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न संस्कृति, धर्म, समाज और भाषा के लोग सद्भावना से एक साथ रहते हैं। 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी के ही दिन साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। वहीं 26 नवंबर साल 1949 में भारत की संविधान सभा की ओर से यह संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी साल 1950 में इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के द्वारा लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि स्वीडन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दिन भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। भारतीय संविधान को सम्मान देने के लिए भारत में 26 जनवरी को पूर्ण सम्मान के साथ हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल साल 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा हुई कि अगर साल 1930 तक अंग्रेज सरकार भारत को डोमिनियन का पद नहीं देगी तो भारत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा। जब अंग्रेज सरकार चुप बैठी रही और साल 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं दिया तो भारत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और अपना सक्रिय आंदोलन शुरू किया। भारत के आजाद हो जाने के बाद भारत की संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना काम 9 दिसंबर साल 1947 से शुरू कर दिया। संविधान सभा ने थी 2 साल 11 महीने 18 दिन। जी हाँ, 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान का निर्माण कर दिया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर साल 1949 में भारत का संविधान सुपुर्द कर दिया। धन्यवाद। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार और आपके स्थानीय निवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।